तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास एप्सन का कलर प्रिंटर है, जो कि मेरे पास है एप्सन का L15150, या फिर आपके पास एप्सन का कलर प्रिंटर है जो इसमें से कोई भी सीरीज़ का है, या फिर एप्सन कंपनी का है और उसके अंदर A4 लीगल और A3 पेपर का ऑप्शन है, तो आप कैसे उसके अंदर प्रिंट, जेरोक्स और स्कैन कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप उसमें A4 कलर प्रिंट मार सकते हैं। ये देखिए, मैंने A4 पेपर लोड किया हुआ है। अब मैं आपको इसके अंदर A4 कलर प्रिंट मार के दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने इमेज सिलेक्ट करके रखी हुई है। अब इसमें हम प्रिंटर सिलेक्ट कर लेंगे एप्सन, उसके बाद ऑप्शंस में जाके देख लेंगे कलर सिलेक्टेड है कि नहीं है। हाँ, सिलेक्टेड है, A4 सिलेक्टेड है। अब इसको हम प्रिंट मार देंगे। ये देखिए, A4 पेपर सिलेक्टेड है। ये देखिए, हमने A4 के ऊपर कलर प्रिंट मारी है अभी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लीगल पेपर पे कलर प्रिंट कैसे मार सकते हैं। ये देखिए, मैंने लीगल पेपर लोड कर दिया है। अब मैं आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये हमने प्रिंटर सिलेक्ट कर लिया है, लीगल पेपर सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको प्रिंट मार देंगे। कलर चेक कर लेते हैं, कलर सिलेक्टेड है कि नहीं। हाँ, कलर सिलेक्टेड है, लीगल पेपर सिलेक्टेड है, प्रिंट मार देते हैं। देखिए, हमने लीगल पेपर पे अभी कलर प्रिंट मार के दिखाया आपको, तो ठीक से देख लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम A3 पेपर पर कलर प्रिंट मार सकते हैं। ये देखिए, मैंने A3 पेपर लोड कर दिया है। अब मैं पेपर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें पेपर साइज़ में ये हम A3 सिलेक्ट कर रहे हैं। हमने प्रिंटर सिलेक्ट कर लिया है, A3 पेपर सिलेक्ट कर लिया है, कलर सिलेक्ट कर लिया है। ओके, अब प्रिंट मार देते हैं। ये हमारा A3 पेपर लोडेड है। ये देखिए, हमारा A3 पेपर पर कलर प्रिंट आ गया। ये देखिए, A4 पेपर है, ये लीगल पेपर है और ये हमारा A3 पेपर है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसे हम इसमें A4 में कलर जेरोक्स मार सकते हैं। अभी पहले हम A4 पेपर लोड कर देंगे, फिर हम A4 पेपर सिलेक्ट कर देंगे और अब हम इसको A4 जेरोक्स मार देंगे। कलर सिलेक्ट करेंगे, एडवांस में जाएंगे, ओरिजिनल ओरिजिनल साइज में जाएंगे और कलर दबा देंगे। ये पेपर इनपुट ले लिया है। ये देखिए, कलर पेपर आ गया है। ये हमने अभी कलर जेरोक्स मारा है, बिल्कुल सेम प्रिंट वाली ही क्वालिटी आती है, कोई डिफरेंस नहीं आता है कलर जेरोक्स मारने के बाद भी। अब मैं आपको लीगल में दिखा देता हूँ। हम लीगल पेपर लोड कर देंगे, अब हम लीगल पेपर सिलेक्ट कर देंगे, लीगल पेपर स्कैन करने के लिए, कलर जेरोक्स करने के लिए रख देंगे।
ओरिजिनल साइज़ चेंज कर देंगे, लीगल पेपर सिलेक्ट कर देंगे ओरिजिनल साइज़, देखिए हमारा लीगल पे कलर जेरोक्स तैयार। अब हम आपको A3 पेपर लोड करके दिखा देते हैं। A3 पेपर पे हम कलर जेरोक्स मारेंगे। A3 पेपर सिलेक्ट कर लेंगे, ओरिजिनल साइज सिलेक्ट कर लेंगे, और कलर जेरॉक्स प्रिंट मार देंगे। तो दोस्तों देखा आपने कैसे आपके पास अगर एप्सन का L15150 मॉडल है या फिर इस सीरीज का कोई भी मॉडल है तो आप उसके अंदर प्रिंट जेरोक्स और स्कैन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ कवर कर ही लिया है, पर अगर आपको उसके अलावा फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उस पर और स्पेशल वीडियो बना डालेंगे, एक अलग से पूरा वीडियो बना देंगे। तो आप मुझे कमेंट करिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर, ठीक है।